बेटी प्रसाद लो। पंडित जी, एक विनती करनी थी, क्या हम थोड़े दिनों तक यही मंदिर में रह सकते हैं? लेकिन बेटी, तुम अपना घर द्वार, अपना परिवार छोड़कर यहाँ क्यों रहना चाहती हो? पंडित जी, कभी कभी भगवान इंसान की कड़ी परीक्षा लेते हैं, अपनों से ही दूर कर देते हैं ताकि जब वो फिर से मिले तो उनका रिश्ता और भी मजबूत हो जाए। हम अपने घर जरूर जाएंगे, बस कुछ दिनों के बाद, अगर तब तक हम यहीं। देखो बेटी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम अक्सर अपने पति के साथ यहाँ आती हो, काफी दान पुण्य करती हो, पूजा पाठ करती हो, पर बेटी हम क्षमा चाहेंगे आपसे, क्योंकि इस मंदिर में रात में किसी को रुकने की अनुमति नहीं है। बेटी, सुनो बेटी, यहां से थोड़ी दूर पर एक धर्मशाला है जो निर्मोही देवी धर्मशाला के नाम से जाना जाता है। उस धर्मशाला को निलंजना रॉय नाम की एक महिला चलाती है। आप चाहो तो वहां जा सकती हो, थोड़े ही पैसों में वहां रहने का इंतजाम हो जाएगा। वहां तुम कुछ दिन रह सकती हो बेटी। यही है? हाँ, यही सामने है बेटी। धन्यवाद। अच्छा, हमारे पास तो एक पैसा भी नहीं है, फिर भी एक बार जाकर देखते हैं। हमारा साथ देना भगवान। आभा की हमशक्ल, वो भी स्वर्ण भवन में, और नहीं तो क्या। अरे, कौन सच्चा है और कौन झूठा, ये तो बस भगवान ही जाने। सच्ची बात कहूं, आजकल तो शराफत का जमाना ही नहीं रहा। भगवान ना करे मेरे बच्चों के साथ ऐसा कुछ हो। इसलिए पता है तुम्हें आते समय मैंने क्या सोच रखा है? पंडित जी, आप बताइए, अपने बच्चों की रक्षा के लिए उनके हाथ पर क्या बनवाओ, ओम या त्रिशूल? अब ये कौन सी नई बेवकूफी है तुम्हारी शीतल? आप लोग कुछ भी नहीं समझते, दूर की नहीं सोचते आप। देखो, बैठो। देखो, अगर हमारे यहां भी जुड़वा बच्चे पैदा हुए तो एक का नाम होगा डुकू और दूसरा फुग्गू। भगवान ना करे अगर वो कहीं मेले में बिछड़ गए तो उनके हाथ पर अगर ओम या त्रिशूल बना हुआ हो तो बड़े होने के बाद जब वो एक दूसरे को मिलेंगे तो पहचान पाएंगे ना, है कि नहीं? हा? जैसे गीता मेरा नाम में सुनील दत्त के हाथ पर बंदर बना था, बंदर। मैं तो अपने बच्चों के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मैं उनके हाथ पर ओम या त्रिशूल बनाऊंगी ही बनाऊंगी, जरूर। पंडित जी, आपको तो दाद देनी चाहिए मेरी होशियारी की। हाँ, मंद बुद्धि औरत। प्रियंका भाभी ने इतनी बड़ी साजिश रची। हम तो ये सोच के डर रहे हैं कि कहीं वो आभा की हमशक्ल सबके साथ स्वर्ण भवन में रहना शुरू कर देती तो ना जाने हम सबको और कितनी तकलीफें उठानी पड़ती। पिताजी, आप इन सबको बता दीजिए कि हम आपकी आभा हैं, आपकी स्वर्ण आभा। आपको तो हम पर विश्वास है ना? इतने मुश्किल सवाल पूछकर मन की तसल्ली करने के बाद ही हमने वो फैसला लिया था। फिर ऐसा क्यों लग रहा है हमें जैसे उस लड़की की आंखों में भी सच्चाई थी? ये दुविधा क्यों है हमारे मन में? कहीं ऐसा तो नहीं हम अपनी ही बेटी के साथ अन्याय कर रहे हैं? ठाकुर साहब,
तो भगवान की दया से सब कुछ ठीक हो गया है। तो फिर आप किस चिंता में डूबे हुए? आज शाम को आपको इंदौर के लिए निकलना है, मेरे ख्याल से आप थोड़ा आराम कर लीजिए। क्या ठीक है क्या नहीं है राघव, ये तो ईश्वर ही जानते हैं। हम तो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि हमारी बेटी ने हमेशा सबके लिए अच्छा ही सोचा है, अच्छा ही किया है। ऐसी बेटी की जगह कोई ओछा लालची कैसे ले सकता है राघव? अचानक बेटा सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है, हम बस ऐसे ही मिलने आ गए थे। पर हमें नहीं पता था पिताजी आपा के साथ इतना कुछ हो जाएगा। अरे वो तो मैं किस्मत से वहां चली गई ठाकुर साहब के साथ, इसलिए वो सब देखने को मिल गया मुझे। अगर तुम आती ना हमारे साथ तो तुम्हारी आंखें भी धोखा खा जाती। आभा की हमशक्ल को देखकर तो ठाकुर साहब और करण दोनों अचरज में पड़ गए थे। हाँ पिताजी ये सब क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, आखिर हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लता चिंता ना करो बेटा, ईश्वर है ना, सब ठीक करेंगे। को ढूंढ रही हैं? नमस्ते। वो आज यहाँ कोई खास अनुष्ठान है? हाँ, नीलांचना देवी हर साल आज ही के दिन दुर्गा माँ की पूजा करवाती हैं अपनी दादी सास निर्मोही देवी के नाम पर, और उनके ही नाम पर ये धर्मशाला भी बनवाई है उन्होंने। आज उनका जन्मदिन है ना, तो हर साल जन्मदिन के दिन इतनी बड़ी पूजा होती है? हाँ, उनके धर्म कर्म के कारण तो उनके परिवार में इतनी समृद्धि है, वरना तो भगवान का नाम भी न लेने वाले पति के घर में इतनी खुशहाली। ये सब नीलांचना के कारण ही तो है, इस बार तो उन्होंने मन्नत भी मांगी है। हे देवी माँ, जिस औरत ने हम सब के लिए इतना कुछ किया है उसकी झोली खुशियों से भर दे, उसकी मन्नत पूरी कर दे। दरअसल हमें एक कमरा चाहिए था। हाँ, क्यों नहीं, हमारे यहाँ बस नाम मात्र के लिए किराया लेते हैं, वो भी ये धर्मशाला की देखरेख के लिए। देखिए इस समय तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, बिना किराए के कैसे? बहन जी हाँ, बड़ी मुसीबत हो गई। क्या हुआ? आपको तो पता है आज शाम को कितने सारे ब्राह्मण आ रहे हैं, और निरंजना ने तो उज्जैन के अलावा कहाँ कहाँ से ब्राह्मणों और साधु संतों को निमंत्रण दिया है, और अभी अभी महाराज जी का फोन आया था कि वो नहीं आ सकते हैं। इतना बड़ा अनुष्ठान है,
इतने बड़े बड़े पंडित संत आ रहे हैं और इतने कम समय में इतने साधु संतों के लिए भोजन कौन बनाएगा? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं भी यही सोच रही हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो हम बना दें। अब पर बड़े बड़े संत महात्मा आ रहे हैं और उनके लिए ब्राह्मण महाराज ही हर साल भोजन बनाते हैं। माफ कीजिए, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान जात पात को छोड़ श्रद्धा और भाव से किया जाए तो ज्यादा मायने रखता है। हम किसी भी जात के हो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ये एक बार हमें मौका देकर तो देखिए। ठीक है, लेकिन ब्राह्मण भोज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, हम जानते हैं दुर्गा माँ की पूजा का भोग है, हम पूरी श्रद्धा से प्रसाद बनाएंगे। आप बस रसोई घर कहाँ है हमें बता दीजिए। ठीक है, लेकिन पहले स्नान करके कपड़े बदल लीजिए, उसके बाद ही रसोई में जाइए। जी जी, इन्हें कुछ कपड़े दे दीजिए। हाँ ठीक है, आइए जी। अभी के लिए वो भले ही चली गई हो आभा, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना और पापनी का भी। पता नहीं किन इरादों से आई थी और वो आगे जाके क्या क्या करने वाली है। तुम्हारे और करण के रिश्ते में पहले से ही बहुत उतार चढ़ाव आ चुके हैं। हम नहीं चाहते कि अब और कोई भी परेशानी तुम दोनों के बीच में आए। दीदी, जिसके पास आप जैसी बहन हो और ऐसा परिवार हो, उसका कोई नौटंकी वाली कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भले ही उसका चेहरा हमसे मिलता हो, पर हम उसे हमारे और करण के बीच नहीं आने देंगे। आप चिंता मत कीजिए। तुम ठीक कह रही हो आभा। चलो अभी हम फोन रखते हैं, तुम अपना ध्यान रखना। पति पत्नी का रिश्ता जितना गहरा होता है उतना ही नाजुक भी। भगवान करे बस सब जल्दी ठीक हो जाए। अरे छोड़ो ना, आ जा मेरे पास में। मानो जी, उस घर में तो रोज कुछ ना कुछ नाटक होता ही रहता है। तू बता, तेरे और राज के बीच में कैसा चल रहा है सब? तू कब हमें खुशखबरी दे रही है? कितने दिन हो गए तुम्हारी शादी को? हाँ, वक्त आने पे खुशखबरी भी मिल जाएगी। फिलहाल हमें आभा की चिंता हो रही है। जो औरत उस घर पे हमला करवा सकती है, आभा होने का दावा कर सकती है, वो किसी भी हद तक जा सकती है। और उसकी इतनी हिम्मत, हमें इस बात की जड़ तक पहुंचना ही होगा। आखिर क्या मकसद था उसका? क्यों और क्या सोच कर आई थी वो आभा का घर तबाह करने के लिए? मामी जी, आप हमें आभा के एल्बम में से उसकी तस्वीर दे दीजिए। हम जाएंगे वहां, उस बस्ती में जहां वो नौटंकी वाली रहती है। हम लोगों को इस तरह से नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। आभा ने हमारा हर मुसीबत में, हर तकलीफ में साथ दिया है, और इस बार हम आभा का साथ देंगे। हम किसी को भी उसका हक इस तरह नहीं छीनने देंगे।
माँ दुर्गा, आपने तो हमेशा हमारे मन की सुनी है, पर क्या करूं, ये मन कभी खुश नहीं होता। फिर से आपके सामने खड़ी हूँ झोली फैलाए, हमारी मुराद पूरी कर दो माँ, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। जय दुर्गा माँ। विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। ओम तद विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। दुर्गा माँ, हमारी इस लड़ाई में लड़ने की हमें शक्ति दो। आज हमारी माँ नहीं है हमारे साथ, अब आप ही का सहारा है माँ। यूं बिना बताए करण कटे जा सके हैं। इंसान को कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे तूफान उसकी जिंदगी में बिना किसी वजह के नहीं आते। नहीं, मां करण को सच तक नहीं पहुंचने दे सकूं। उसके वास्ते सबसे पहले मारे को अपने बीते हुए कल की हर निशानी ने मिटाना होगा, ताकि गलती से भी कोई ऐसा सबूत करण के हाथ न लग सके जो यो साबित कर पावे कि मां आभा नहीं अल्पेली हूं। अपना सच साबित करने के लिए तुम कितनी बेचैन हो रही होगी हम जानते हैं। शायद ये पता मदद करे तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने में। आज देखिए देवी माँ कितनी अच्छी लग रही है। अब बहुत बहुत भाग्यशाली हैं जो देवी माँ को आज आपने देख लिया। आज देवी माँ के पास आप जो कुछ भी मांगेंगी वो आपको मिल जाएगा। देवी माँ, अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। आप ये करते रहे हुआ। ब्रह्मभोज तैयार हो गया, आरती के बाद सभी भोजन पर बैठेंगे। हाँ बस तैयार हो ही गया है, हम अभी लेकर आते हैं। ठीक है, जल्दी करो। आभा जब भी दुविधा में होती थी यहीं आती, हो सकता है मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब यही मिले। आपका नाम आभा है? आपको कैसे पता? वो बाहर गेट पर आपके लिए कोई चिट्ठी छोड़कर गए हैं। आप यहाँ नए हो ना, इसलिए मैंने सोचा आप ही आभा हो। धन्यवाद। अपना सच साबित करने के लिए तुम कितनी बेचैन हो रही होगी हम जानते हैं। शायद ये पता मदद करे तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने में।
सकता है जो हमारी हालत और सच्चाई इस कदर जानता है? जमुना बाई बस्ती, इस पते पर क्या मिलेगा हमें?